से हैं आप दोस्तों। आपको जैसे मालूम है कि आज 15 अप्रैल है और वर्ग दो का डॉक्यूमेंट्स आज से शुरू है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि अधिकांशतः जिलों में जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बहुत से जिलों में लागू भी हो गया है। एमपी ऑनलाइन की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर जो है वेरिफिकेशन की डेट्स आगे बढ़ेंगी, लेकिन बहुत से लोगों के जो प्रोफाइल हो या शेड्यूल हो वही दिख रहा है कि 15 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि सर हम जाएं कि ना जाएं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि पहला तो ये है कि जहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा है, जैसे कि मैं सीपरी ज़िले का रहने वाला हूँ, सीपरी शहर में ही रहता हूँ, यहाँ पर कल से लॉकडाउन लगेगा यानी शुक्रवार से, आज नहीं लगा है, तो ऐसे जिलों में जो है सुचारू रूप से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे वो डेट्स आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ के संबंध में आदेश दोस्तों आने चाहिए, आज आने चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो डेट्स है वो भी अपडेट होनी चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए। तो इस स्थिति में जो है दोस्तों लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और उनका भी कहना यही है कि जैसे ही हमारे पास ऊपर से आदेश आता है तभी हम कुछ इस पर बता पाएंगे, तब तक जो शेड्यूल है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप जहाँ भी जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ पर क्या कंडीशन है, और यदि आपकी अधिकारियों से बात हो रही है तो आप भी अपने कमेंट दोस्तों शेयर करें, जिससे कि उस जिले के रहने वाले जो भाई बहन हैं उन्हें उन कमेंट से जो है पढ़कर अपडेट मिल सके दोस्तों। क्योंकि मैं हर एक जिले के अधिकारी से फ़ोन पर बात करके अपडेट लाऊं तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। साथ में यदि कोई आदेश आता है, क्योंकि अधिकांशतः जितने भी अधिकारी हैं उनसे यही हमने कहा है कि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई आदेश आए तो प्लीज़ बताएं, जिससे कि बहुत से भाई बहन हैं जो आज परेशान हो रहे हैं कि हमारा वर्ग दो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, उनके पास सही सूचना पहुँच सके दोस्तों। तो अभी आपका जो भी शेड्यूल है उसे ही फॉलो करें जब तक कि वो अपडेट नहीं हो जाता। यदि आप आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो सेंटर है यदि लॉकडाउन लगा हुआ है तो अपने जो जिले की स्थिति है वो देखें, क्या आप कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। यदि ये छूट दी गई है कि आप आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकल सकते हैं तो डेफिनेटली आप पूछें अपने अधिकारियों से कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जिन जिलों में लॉकडाउन नहीं है वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल है वही फॉलो किया जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं कि जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाएगा किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें फिर से डेट दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चाइन लिस्ट में आपका नाम आया है, प्रतीक्षा सूची में नाम आया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं ले पाए हैं तो ये लास्ट मौका ना समझें आप। इसके बाद भी जो है बहुत से शेड्यूल फिर से अपडेट किया जाएगा और जो छूट गए हैं उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट डीपीआई ने ये रख दिया है कि हमें जितने भी लोग हैं सभी का वेरिफिकेशन करना है, जो भी आपके चयन सूची में है, जो भी आपकी प्रतीक्षा सूची में है, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है दोस्तों कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए सभी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जो आवश्यक कार्य हैं उनमें छूट दी जा रही है, और अधिकारी यही कह रहे हैं दोस्तों कि जो आवश्यक कार्यों में ही ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है दोस्तों। तो क्या एहतियात बरतते हुए हम इसे चालू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते उसी हिसाब से नियम अनुसार, या फिर इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, ये जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों, डीपीआई से आदेश आ जाएगा, उनका संपर्क लगातार बना हुआ है और मीटिंग भी इस पर वो कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके सामने बिल्कुल सूचना लाऊंगा, और मेरे जैसे बहुत सारे जो चैनल्स हैं जिन्हें आप लगातार देख रहे हैं वो भी आपके पास अपडेट लेकर आएंगे। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली है वो आपके साथ है, तो बिल्कुल भी आप कहीं से कहीं तक घबराएं नहीं, डरें नहीं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही संभाल के रखें जो भी अपलोड किए हैं, क्योंकि इस समय डॉक्यूमेंट्स खो जाना, जैसे कि मैं एक बहन के खो गए थे, वो कितना परेशान हो रहे हैं आप वो ही जानते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी इस समय संभाल कर रखने हैं दोस्तों। साथ में डरना बिल्कुल भी नहीं है,
हम सभी आपके साथ हैं और जो भी चैनल्स हैं जो कि लगातार प्रयासरत रहे हैं दोस्तों, उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी से संपर्क हमेशा रहता है जिससे उन्हें अपडेट मिलती रहती है, तो वो अपडेट हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ कहीं से कहीं तक डिमोटिवेटेड होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिन जिलों में लॉकडाउन नहीं है वहाँ पर शेड्यूल फॉलो किया जा रहा है, जिन जिलों में लॉकडाउन लग गया है उनके संबंध में जैसे ही आदेश आएगा, कोई भी अपडेट आएगा, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तो गुड लक है जिनका आज वेरिफिकेशन है, और जैसे ही कोई इसकी न्यूज़ आती है दोस्तों तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके ज़िले में क्या स्थिति है। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला अपना कीमती, उसके लिए दिल से धन्यवाद।